हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग कोई पढ़ाई की बातें नहीं कर रहे, बेसिकली आज थोड़ी अलग हट के बात कर रहे हैं। मतलब मुझे कुछ जब भी बात करने का दिल करता है तो आपसे बात करने के लिए मैं सीधा कैमरे के सामने आ जाता हूँ, ठीक है। मैं इस बात का वेट नहीं करता हूँ कोई मेरी बात को सुने, मैं जस्ट तो आपसे बात करता हूँ। तो आज बस उन लोगों को थैंक्स बोलने का दिल किया जिनकी वजह से फिज़िक्स में एक रोमांच उत्पन्न हुआ मेरी लाइफ में, एक जो होती लगन फिजिक्स के प्रति उत्पन्न हुई, एक बोल सकते हैं ना, एक जो फिजिक्स को मैंने फील करना शुरू किया जहाँ से, उनको थैंक्स बोलने का मन किया। बेसिकली बात यहाँ पे कर रहे हैं अपने टीचर्स की जिनसे मैंने फिजिक्स सीखी। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ तो जहाँ से मैंने फिजिक्स के बिल्कुल बेसिक्स जो फिजिक्स के गुरु सीखे वहाँ की अगर बात करूँ, थैंक्स टू अनवी सर। मतलब उनसे मैंने फिज़िक्स के जो भी बेसिक्स सीखे ना, मतलब बोल सकते हैं कि एकदम फिज़िक्स से मुझे एक अलग ही तरीके का जो लगाव है उत्पन्न हो गया, एक अलग ही तरीके का जो प्यार है वो उत्पन्न हो गया। उसके बाद ये नहीं था कि केवल मैंने एनवी सर से सीखा, एनवी सर के साथ में मैंने एच सी वर्मा सर द ग्रेट, उनसे मैंने फिज़िक्स के वो चीज़ें सीखी जहाँ से हम लोग एक होता ना, आपने देखे होगा एक बाउंड्री होती है जहाँ पे हम लोग बेसिक चीज़ें सीखते हैं और एक एडवांस चीज़ सीखते हैं, उनको जोड़ने की जो चीज़ें होती हैं वो मैंने एच सी वर्मा सर से सीखी। मतलब अगर आपने बेसिक सीखे हुए और अगर आपको एडवांस चीज़ें सीखनी है, अगर आपको उनके बीच का इंटरकनेक्शन नहीं समझ आएगा तो आप कभी भी एडवांस चीज़ों को फील नहीं कर पाओगे। तो वो जहाँ से मैंने सीखा, थैंक्स टू एच सी वर्मा सर। मतलब मुझे नहीं पता ये वीडियो कभी टीचर्स तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, लेकिन कम से कम मैं आपसे तो अपने दिल की बात कर ही सकता हूँ। मतलब जो भी आप मुझे सुनते हैं या जो भी आप मेरी क्लासेस फॉलो करते हैं, तो आपको भी तो पता चलना चाहिए ना कि किस तरह से मैंने कहाँ कहाँ से, होता ना कि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर करके कहाँ से मैंने इस गगरी को भरा है। अगली बात करूँ तो मैंने जहाँ से एक्सपेरिमेंटल नॉलेज बहुत ज़्यादा सीखा, मतलब जो बेसिक्स का एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है, थैंक्स टू वाल्टर लेविंस। मतलब मुझे तो अपने ग्रेजुएशन में ही ये सारी चीज़ें पता चली, मतलब एनवी सर से तो वही है ना कि 11th-12th से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू हो गया, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज थे वो मैंने अपनी ग्रेजुएशन में आकर के सीखे वाल्टर लेविंस। मतलब आप देखते होंगे जब मैं एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कराता हूँ क्लास में, तो आपने देखा होगा कि कुछ कुछ आपको लग सकता है कि हाँ हाँ, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये अच्छे दर्जे के एक्सपेरिमेंट हैं, क्योंकि वहाँ से मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल नॉलेज सीखा है। तो इस तरह से जो टीचर्स हैं, ये नहीं कि टीचर्स को लिमिटेड है, जो भी टीचर्स जिनसे भी मैंने सीखा उन सबको एक वो ना बिग वाला थैंक यू। आप भी इस वीडियो के नीचे अपने उन टीचर्स को थैंक यू बोल सकते हैं जिनसे आप कभी डायरेक्टली नहीं बोल पाए, तो आप होता है ना कि कन्फेशन के थ्रू अपने उन टीचर्स को, कन्फेशंस तो नहीं बोलना चाहिए उचित वर्ड, मतलब आप अपने मन की बातें अच्छे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा करने का तो मेरा कोई मूड है नहीं वैसे, लेकिन बस दिल की आपसे ही बातें करने का कि नहीं, मतलब बोलना चाहिए, है ना, जो भी आपके मन में आ रहा है वो बोलना चाहिए। तो किससे बोलना चाहिए, आप ही हो जो भी हो, है ना। तो बस यही कुछ बातें करनी थी। अब ये नहीं है कि ये जर्नी कहीं पर भी रुकती है, जब भी आप फिज़िक्स सीख रहे होते हो तो कभी भी आप रुकते नहीं हो, आप लगातार सीखते रहते हो। और इन टीचर्स से जो मैंने सीखा है उसको मैं कभी भी, ये नहीं है कि उसको मैं यूटिलाइज़ नहीं कर पाऊँगा, मतलब यूटिलाइज करने से मेरा मतलब है कि उससे मैं हमेशा कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता रहता हूँ, ठीक है ना, उसका कहीं ना कहीं अपने जो दैनिक जीवन है उसमें लाभ उठाने की कोशिश करता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग इन सारे टीचर्स को जानते हैं, मे भी मतलब अब ये तो वही है ना कि वो लोग तो है नहीं कि इनको कोई जानता हो ना जानता हो, मतलब ऐसा तो है नहीं, मे भी हार्डली एक और दो लोग ऐसे हैं जो इन टीचर्स के बारे में ना जानते हैं, ठीक है। ये तो वो लोग हैं ना जिनके बारे में गूगल कर लेते ऐसे बोल देते हैं, ठीक है, नहीं जानते हो तो गूगल कर लेते, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कौन, ठीक है, बोल सकते हैं ना कि एजुकेशनल जगत के शाहरुख खान, ठीक है, जो मतलब विद प्रॉपर रेस्पेक्ट बोल सकते हैं कि इतनी फेमस हस्तियों को तो मैं भी शायद ही कोई ऐसा हो जो मैं जानता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको भी इनसे सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मतलब
जितना आप लोग नीचे लिखते हो कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक दिल से खुशी होती है। तो आई होप आज की बात आपको समझ आए, मतलब समझ के आई होंगी मेरी बातें, आपको समझ आए होंगी, मुझे आप फील कर पाए होंगे। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कितनी इंपॉर्टेंस है मेरी लाइफ में टीचर्स की, कितनी इंपॉर्टेंस है इनके सिखाए हुए नॉलेज की, जो मैं शायद आपको उनकी कहीं ना कहीं एक थोड़ी थोड़ी सी झलक शायद कभी कभी दिख जाती है मेरे उस लेक्चर में या मेरे उस बात में, ठीक है। और अगर ऐसा होता तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो एक बार फिर से वो होता ना, तहे दिल से आप सबको शुक्रिया, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, यहीं पे इस वीडियो को रोकते हैं, ठीक है। तो चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।